सोई नहीं अभी तक? आज तो मुझे नींद ही नहीं आ रही बेटा। आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वैसे आयमा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि रूही और मोहसिन भी आ रहे हैं। तुम्हें जरा अच्छे से तैयार होके जाती। वैसे मैं रूही से तो ज्यादा ही अच्छी लग रही थी ना, सच सच बताना। अम्मी, मुझे नहीं पता था कि वो लोग आएंगे। तो जहां तक आपकी बात है, आपसे प्यारा तो कोई वहां लग ही नहीं रहा था, है ना? जबी मोहसिन बार बार, तुमने देखा कैसे उतरा हुआ तो दोनों का मुंह, रूही और मोहसिन का? मुझे आज तुम पे बहुत फखर हुआ। आज मुझे समझ आया और एहसास हुआ कि तुम्हें वकील बनने की इतनी लगन क्यों थी। खुश रहो मेरी बच्ची। मोहसिन का तो मुंह रोने वाला हो रहा था और तुम्हारी स्पीच सुनकर तो कमरे से ही बाहर चले गए। फिर उनका पता ही नहीं चला। रूही भी ढूंढती रह गई उनको, फिर न जाने वो कहाँ चले गए। हाँ, शायद जल्दी घर चले गए। हाँ तो बर्दाश्त जो नहीं हुआ होगा ना, ये कैसे मैं उनसे आगे निकल कर खड़ी हो गई हूँ। वो तो यही सोचते होंगे कि हम तीनों कब के मर खप गए होंगे, या पड़े होंगे किसी लावारिसों के अदारे में, या फिर भीख मांग मांग कर। मत करिए ऐसी बातें प्लीज। कैसी सफाकी से वो मुझे और मेरी दोनों बच्चियों को छोड़कर चला गया, वो भी उस घटिया औरत के लिए। आज उसे बेकरार देखकर कितना सुकून मिला है मुझे। बस अब एक ही हसरत रह गई है दिल में। कैसी हसरत होगी? मोहसिन अली को कड़ी सजा देने की। ऐसी सजा जिससे उसे कभी सुकून ना मिले, कभी चैन ना मिले, कब्र में भी नहीं। अम्मी ऐसे मत बोलो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उससे हमदर्दी करने की। मैं मोहसिन अली के साये से भी तुम लोगों को बचाना चाहती हूँ। मोहसिन एक दिल फेंक इंसान है, और अब तुम्हारे में वो पुरानी वाली बात है कहाँ। अपना ख्याल रखो, और इस बात का भी ख्याल रखना कि उन्हें कोई और ना मिल जाए। झूठ बोल रही थी वो जाहिल कंवार औरत। सौकन है, तारीफ तो करने से रही, मेरी दिलकशी में कोई फर्क नहीं आया। जान छिड़कता है मोहसिन मुझ पर। ऐसी दुख भरी कहानियों से हमारा माशरा भरा पड़ा है, और हमारे मर्द जो अपने हिस्से में आई हुई औरत को अपने कदमों की खाक समझ के उड़ा दिया करते हैं और आगे बढ़ जाया करते हैं, और ऐसी खाक में धूल में लिपटी हुई औरत, तन्हा बेबस औरत को मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस औरत की महरूमिया और आंसुओं की जद्दोजहद को बहुत करीब से देखा है, और वो औरत कोई और नहीं है, वो औरत मेरी माँ है।